हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ प्रिया शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी ट्वेल्थ की केमिस्ट्री। हम लोगों ने अभी ट्वेल्थ स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है सॉलिड स्टेट। चाहे आप सीबीएसई के हों या फिर आरबीएसई के हों, हमने सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए हुए हैं। जो ट्वेल्थ के जो टॉपिक्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ने हटाए हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी ताकि आपको अदर कोई प्रॉब्लम ना आए। और अभी जो है लेक्चर 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल क्रिस्टल सिस्टम, और इन जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसके सारे के सारे जो ट्रिक्स हैं वो मैंने बताई हुई है। तो प्लीज आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक ये तो पढ़ लिया कि जो यूनिट सेल होते हैं उसके टाइप कितने होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल प्रिमिट सिंपल यूनिट सेल जो होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल को भी जो है हम 7 टाइप से करेक्टराइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो जो सिंपल यूनिट सेल होता है वो आपको मैंने बताया था कि एक ऐसा यूनिट सेल होता है जो क्रिस्टल लैटिस के कॉर्नर्स पर, या क्रिस्टल लैटिस के कॉर्नर्स पर जब एटम होते हैं तो वो कैसा यूनिट सेल कहलाता है, सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल को हम 7 टाइप से करेक्टराइज करवा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। अब देखते हैं हम वन बाय वन के ऐसे कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि ट्रिक कौन सी काम में आएगी। पहले ही मैं कोने में यहां पर लिख रही हूं, आप देखिएगा, बॉक्स बनाकर CTO हार मत, ये एक ट्रिक है, इसे आपको याद करना है। CTO किसी का भी नाम होता है, मैंने बोल दिया CTO हार मत, तो CTO हार मत, CTOHR यानी हार, MMT यानी मत। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम में आएगी। तो देखिए, हम चलो 7 क्रिस्टल सिस्टम को करेक्टराइज करते हैं। थोड़ा सा बड़ा वाली कर रही है। एग्जाम्पल, तो ये हम जो है 7 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको मैं या तो उसी टाइम लिखूंगी, 7 टाइप से डिवाइड हो जाएगा। एक तो क्रिस्टल सिस्टम के बेसिस पे, एक्सियल डिस्टेंस के बेसिस पे, एक्सियल एंगल, पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल और एग्जांपल्स। तो नंबर 1, सबसे पहला जो हम लेंगे क्रिस्टल सिस्टम, सिंपल यूनिट 7 क्रिस्टल सिस्टम का सबसे पहला कौन सा होगा, CTO हार्मर। तो C से क्यूबिक। और क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में एक्सियल डिस्टेंस क्या था, A = B = C। ध्यान रखना, इसके जितने भी एज लेंथ है या एक्सियल डिस्टेंस है सारी कैसी होगी, आपस में इक्वल होगी, A = B = C। एक्सियल एंगल की बात करें तो इसके अंदर α = β = γ = 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, α = β = γ = 90 डिग्री। बात करूं इसके अंदर पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके अंदर हो सकता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल,
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और हो सकता है इसके अंदर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी सिंपल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एग्जाम्पल की बात करूं इसके अंदर तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका पोटेशियम क्लोराइड हो गया NaCl। तो हमने पढ़ लिया क्यूबिक का, क्यूबिक जो है एक क्रिस्टल सिस्टम है, सिंपल सेवन क्रिस्टल सिस्टम का एक क्रिस्टल सिस्टम क्यूबिक। क्यूबिक का एक्सियल डिस्टेंस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर हम बात करें एक्सियल एंगल तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बात करें इसकी पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल की तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो सकता है और प्रिमिटिव यूनिट सेल भी हो सकता है। बात करें एग्जाम्पल्स की तो KCl और NaCl इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा है, पहला सी से तो हो गया क्यूबिक, दूसरे से होगा टेट्रागोनल। CTO, सी आ गया, टी हो गया टेट्रागोनल। टेट्रागोनल की बात करो तो एक्सियल डिस्टेंस जो होता है वो ए इज इक्वल टू बी तो होता है बट नॉट इक्वल टू सी होता है। ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ए और बी तो बराबर होंगे लेकिन ये दोनों की वैल्यू सी के इक्वल नहीं होगी, सी इन दोनों से अलग होगा। ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्सियल एंगल की। तो इसके अंदर भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री ही होगा। तो ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो गया एक्सियल डिस्टेंस में, एक्सियल एंगल में हो गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसके अंदर बात करूं मैं पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल की तो एक तो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड, दूसरा हो जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, एक तो हो गया बॉडी सेंटर्ड, दूसरा हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात करें से इसके एग्जाम्पल की तो SnO2, दूसरा एग्जाम्पल हो गया TiO2। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये टेट्रागोनल का कंप्लीट हो गया है। इसका जो थर्ड टाइप होगा वो होगा ऑर्थोरैम्ब्रोमिक, ऑर्थोरैम्ब्रोमिक। CTO था तो CTO ऑर्थोरैम्बिक, आपको इसी क्रम में जो है इसे पढ़ना है। बात करें तो इसके अंदर जो एक्सियल डिस्टेंस होता है मतलब ए बी और सी, ये क्या होते हैं, इनकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होती है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, मतलब ना तो ए की वैल्यू बी से मिलती है ना बी की वैल्यू सी से मिलती है। बात करते हैं एक्सियल एंगल की तो इसके अंदर भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी तो किसमें है, एक्सियल डिस्टेंस में है। और एक्सियल एंगल की बात करें तो ए अल्फा नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल सॉरी बात करें एक्सियल डिस्टेंस की तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है। और बात करें एक्सियल एंगल की तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। बात करें इसके अंदर की पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल तो इसके अंदर सारे जितने भी टाइप होते हैं यूनिट सेल वो बनते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव इसके अंदर बनता है। ठीक है, फेस सेंटर्ड इसके अंदर बनता है, बॉडी सेंटर्ड इसके अंदर बनता है एंड सेंटर्ड इसके अंदर बनता है। तो सारे के सारे इसके अंदर बनते हैं। बात करें इसके एग्जांपल की तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है बेरियम सल्फेट पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसके ये एग्जांपल हैं। तो ये हमारे CTO कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्या है, R यानी H और R। तो पहले H से करेंगे, क्या होगा हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल। तो देखिए हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब जो एक्सियल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए तो बी के बराबर होगा बट बी जो है सी के बराबर नहीं होगा। ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। बात करें एक्सियल एंगल की तो इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो होगा बट जो गामा होगा उसकी वैल्यू होगी 120 डिग्री। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो होगा लेकिन जो गामा होगा वो इज इक्वल टू 120 डिग्री के होगा। अब बात करें इसके अंदर यूनिट सेल कौन सी बनती है, तो सिर्फ एक यूनिट सेल इसके अंदर बनती है, वो होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये हमारा फोर्थ टाइप भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप, पांचवा जो टाइप हो गया एच तो हो गया है, तो वनल आर से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल। तो देखिए रोम्बोहेड्रल में बात करें एक्सियल डिस्टेंस की तो इसके अंदर ए बी और सी दोनों ही क्या नहीं होते, आपस में बराबर, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है इसके अंदर अगर एक्सियल डिस्टेंस की बात करें। और बात करें एक्सियल एंगल की तो इसके अंदर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है लेकिन ये सब नॉट इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री के, मतलब जो इनका एक्सियल एंगल है वो ये एंगल आपस में होंगे तो बराबर बट ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। बात करें पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल तो इसके अंदर भी कौन सी यूनिट सेल बनती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात करें इसके एग्जांपल की तो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका एग्जांपल, दूसरा कैल्साइट भी इसका एग्जांपल है। तो एक बार जो बाकी आगे बढ़ने से पहले दो ही टाइप रहे हैं हमारे एमटी, दो ही टाइप रहे हैं, तो एक बार मैं इसको दोबारा रिवीजन करवा देती हूँ फिर मैं आपको जो दो टाइप रहे हैं वो करवा दूंगी। हम क्या पढ़ रहे हैं चीजें, सेवन क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं, हमने पांच कवर कर लिए हैं, दो हम और कवर करेंगे। पहला था क्यूबिक, क्यूबिक का एक्सियल डिस्टेंस क्या था, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मैंने आपको पैरामीटर बताए थे यूनिट सेल के, एज लेंथ बताई थी ए बी सी। तो देखिए क्यूबिक में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी सारी लेंथ जो होती है एक्सियल लेंथ वो सारी आपस में इक्वल होती है। एक्सियल एंगल की बात करें तो सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे सारे। बात करें पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल तो कौन से होंगे, तीन यूनिट सेल बनेंगे इसके अंदर, फेस बॉडी और प्रिमिटिव। बात करें इसके एग्जांपल की तो केसीएल और एनएसीएल इसके एग्जांपल है। दूसरा मैंने बताया आपको टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में एक्सियल डिस्टेंस कैसा है, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मतलब ए और बी आपस में इक्वल होंगे बट सी के इक्वल नहीं होंगे। और इसका जो एक्सियल लेंथ है सॉरी एक्सियल एंगल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे और 90 डिग्री के होंगे। और इसके अंदर पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन सा बनेगा, बॉडी सेंटर्ड और प्रिमिटिव यूनिट सेल। बात करें इसके एग्जांपल की तो SnO2 और TiO2 इसके एग्जांपल हैं। बात करें थर्ड टाइप की तो ऑर्थोरोम्बिक में एक्सियल डिस्टेंस की बात करें तो कोई भी लेंथ आपस में इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बात करें एक्सियल एंगल की तो एक्सियल एंगल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल है और 90 डिग्री के बराबर है। इसके अंदर बात करूं पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल तो सारी टाइप की यूनिट सेल इसके अंदर मिलेंगी, प्रिमिटिव बी, फेस सेंटर्ड बी, एंड सेंटर्ड बी और बॉडी सेंटर्ड बी। बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट इसके एग्जांपल है। बात करें हेक्सागोनल की, फोर्थ टाइप आ गया हेक्सागोनल, तो ए हेक्सागोनल में क्या होता है, एक्सियल डिस्टेंस में ए और बी तो आपस में इक्वल होते हैं बट ये दोबारा सी के इक्वल नहीं होते हैं, ए इज इक्वल टू बी बट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू सी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो 90 डिग्री का होगा एक्सियल एंगल में बट गामा कैसा होगा, 120 डिग्री का। यूनिट सेल कौन सी होगी, ओनली वन, वो कौन सी होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एग्जांपल कौन से हो गए, मैग्नीशियम और जिंक ऑक्साइड। बात करें फिफ्थ टाइप की रोम्बोहेड्रल की तो एक्सियल डिस्टेंस में क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी,
एक्सियल एंगल की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल है लेकिन वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। बात करें पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल ही इसके अंदर बनेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्साइट और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सिनेबार, ये भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो ये मैंने आपको 5 तो पढ़ा दिए क्रिस्टल सिस्टम, 2 और मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, हमने CTO पढ़ लिया, हार यानी HR पढ़ लिया, अब क्या रह गया मत, M और T रह गए, यानी सिक्स टाइप। सिक्स टाइप क्या है हमारा, मोनोक्लिनिक की बात करें तो इसके अंदर जो एक्सियल डिस्टेंस होता है, मतलब A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C होता है। ध्यान रखिएगा, ए ना तो बी के इक्वल होता है ना बी ना सी के इक्वल होता है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी के। बात करें एक्सियल एंगल की तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो होता है, बट जो बीटा होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। बीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। इसके अंदर जो सेल बनते हैं वो बनता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो Na2SO4.10H2O, सोडियम सल्फेट डॉट टेन एच टू ओ इसका एग्जाम्पल है, अच्छा वाला एग्जाम्पल। अब बात करते हैं सेवेंथ टाइप की, वो है ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक बात करते हैं सेवेंथ टाइप यानी ट्राई क्लिनिक की। ट्राई क्लिनिक में भी एक्सियल डिस्टेंस ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा। बात करें एक्सियल एंगल की तो अल्फा नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बात करें पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल तो ओनली इसके अंदर बनेगा प्रिमिटिव, और बात करें एग्जाम्पल की तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका एग्जाम्पल होगा। तो देखिए ट्राई क्लिनिक में क्या है, एक्सियल डिस्टेंस की बात करें तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एक्सियल एंगल की बात करें तो कोई भी एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा और साथ ही 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होगा। पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल प्रिमिटिव है, एग्जाम्पल हो गया K2Cr2O7। तो देखिए आपने पढ़ लिया है CTO हार मत, CTO पढ़ लिया, HR यानी हार पढ़ लिया, MT मत, M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राई क्लिनिक। मोनोक्लिनिक में एक्सियल डिस्टेंस A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, एक्सियल एंगल अल्फा गामा 90 डिग्री के होंगे, बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। सेल कौन से बनेंगे, यूनिट सेल प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड, एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। ट्राई क्लिनिक में भी अपन ने देख लिया ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा कोई भी आपस में इक्वल भी नहीं होगा और 90 डिग्री का भी नहीं होगा। सेल कौन सा होगा पॉसिबल यूनिट सेल, प्रिमिटिव, एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमने पढ़ लिया, जो आपकी ट्रिक है वो ये है ट्रिक CTO हार मत, आपको इसी क्रम में सबको याद करना है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, आपको इसी क्रम में याद करना है CTO हार मत। और ये सब के सब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेवन क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।